स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं कि आप अपनी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस या डेल्टा वेरिएंट, जिसमें ये वाला स्मार्ट प्रो वाला स्टीरियो आता है, उसमें आप एंड्रॉयड ऑटो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, एकदम सिंपल सा तरीका है, कुछ ज़्यादा उसमें वो नहीं है कनेक्ट करने में कि जोर आएगा। मैं बस एक इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चाहिए होगा एक एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है, जो कि बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट कर रहे हो तो एंड्रॉयड फ़ोन ही चाहिए होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो फ़ोन है उसमें आपको ब्लूटूथ और वाईफाई ये सब चीज़ें आपको कनेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मतलब कनेक्ट क्या, ब्लूटूथ और वाईफाई ऑन कर लेना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक मिनट मैं थोड़ा फोकस कर लूँ, फिर आपको ब्लूटूथ डिवाइस वाला ऑन करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अपना स्टीरियो में जाना है और यहाँ पे आप ये देख रहे हो पेयर डिवाइस वाला, इस पर क्लिक कर लो या कनेक्ट डिवाइस, पेयर डिवाइस पे करता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, ये मेरा वाला फ़ोन कनेक्ट है, अभी अपन जो दूसरा वाला है वो कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या, नहीं प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अवेलेबल डिवाइस दिखा देगा, ओप्पो ये वाला, आपको इस पर क्लिक करना है एंड देन पेयर डिवाइस, ठीक है, ये आ गया। फिर आपको यहाँ पे करना है यस, ठीक है। यस करने के बाद आपको फ़ोन में कुछ ऐसा मैसेज आ जाएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे पेयर पे दबाना है। आपने यहाँ पे दबाया, फिर अभी यहाँ पे आ गया, आपको एंड्रॉयड ऑटो पे कनेक्ट क्लिक कर देना, ठीक है। ये आपका एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो गया अभी, ठीक है, देख सकते हैं आप। एकदम सिंपल सा तरीका, कोई भी ज़्यादा वो नहीं है हेजिटेशन इसमें, सिंपली आपका एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो गया। आप इसमें मैप्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है, जैसे गाने चला सकते हो स्पॉटिफाई वगैरह से, आप देख सकते हो, जैसे गाना से आप चला सकते हो, इसमें आपके ऐप्स वगैरह आ जाएंगे, जो जो रिक्वायर, मतलब बेसिकली जो जो चीज़ें अपन यूज़ की होती है ना एक एंड्रॉयड ऑटो में, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये हो गया अपना कैलेंडर, गाना वगैरह, ये गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं, मैप हो गया, आपको मैप चलाना है तो मैप पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में लोकेशन ऑन करनी पड़ेगी मैप यूज़ करने के लिए, तो मैं लोकेशन ऑन करता हूँ, ये देखो लोकेशन ऑन करी, ठीक है। लोकेशन ऑन करने बाद एक बार मैं बैक करके देख लेता हूँ, ठीक है भाई। गूगल मैप्स ये शायद, एक बार कार को अपन रिस्टार्ट करेंगे तो उससे आ जाएगा गूगल मैप भी एंड्रॉयड ऑटो में, ठीक है। अब यहाँ से कॉल लॉग्स वगैरह आ जाएंगे, जो कि मैं नहीं दिखाने वाला, पर्सनल है। यहाँ पे स्पॉटिफाई कनेक्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है, स्पॉटिफाई कनेक्ट करके अपना आराम से अपन गाने वाने सुन सकते हैं, ठीक है, आप गाने वाने सुन सकते हैं और आराम से अपना एंड्रॉयड ऑटो मस्त मज़े से यूज़ कर सकते हैं। तो यही थे आज के वीडियो में, एकदम सिंपल छोटा सा वीडियो था, कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, एकदम सिंपली मैंने सिंपली सब कुछ रखने की कोशिश करी है इस वीडियो में। अगर तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। ओके।